नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऋषभ के डिसीजन के खिलाफ सॉरी जाता हुआ नजर आने वाला है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीका से ऋषभ बोल रहा है कि अब मुझे पता है कि हमारे बिजनेस को आगे राजवीर ही लेके जाएगा, और मेरे ये चीज़ दिल से आ रही है, जिसके बाद में आप लोग जानते हैं कि सौर्य इस समय उंगली उठाता हुआ नजर आ रहा है कि ऐसे ही कोई ऐरा गैरा नत्थू कैरा कैसे लूथरा परिवार का हिस्सा बन सकता है। लूथरा परिवार कोई ऐसा परिवार नहीं है, बल्कि लूथरा परिवार में जन्म लेना ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप लोग जानते हैं कि इस समय लगातार राजवीर की बेइज्जती करने का किसी भी तरीका का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है। आप लोग जानते हैं कि कहानी एक नहीं बल्कि इस समय कई मौके पर बेहद ज़्यादा खास, बेहद ज़्यादा अलग देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों का मानना यह है कि जो हो रहा है वो भी वास्तविक बेहद ज़्यादा अलग देखने को मिल रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि किस तरीका से आखिरकार अपनी बात को रखने का पूरा काम कर रहा है सौर्य। और सौर्य ये सोच रहा है कि मैं यहाँ से किस तरीका से धक्के मरवा के इस राजवीर को निकाल सकूँ, क्योंकि दोस्तों राजवीर इस समय लूथरा परिवार में पूरी तरीके से ढल चुका है। लेकिन दोस्तों राजवीर ने भी अभी तक ये नहीं बताया है कि मैं तुम्हारे ही घर का चिराग हूँ, तुम्हारे ही घर का हिस्सा हूँ, क्योंकि वो बताने नहीं चाहता, बल्कि वो जल्दी ही एक और भी नया टोस्ट लाएगा। क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को जल्द ही पता लगेगा कि हाँ, राजवीर कोई बाहर से सदस्य नहीं है, बल्कि इसी घर का ही सदस्य है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि कहानी एक नया रोमांचित मोड़ लेती हुई नज़र आ रही है दोस्तों, जिसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है।